आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट एक और करा रहे हैं जो UPSSSC पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस का ये सेट पूरा 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट आप लोगों को अब दे रहे हैं। आप लोग इसे पढ़िए और इससे जो है कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, आप लोग को अधिक से अधिक अंक आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये युद्ध दिया है 1, 2, 3, 4। पहला दिया है धर्मत, दूसरा बहादुरगढ़, तीसरा खजुआ और चौथा सामूगढ़। ये युद्ध को जो है कि क्रम से लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, युद्ध कब हुआ था, तो इसको हम पहले लिखते हैं कि धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को, 15 अप्रैल 1658 को ये जो है कि धर्मत का युद्ध हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को हुआ था ये। और बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 24 फरवरी 1658 को हुआ था, 1658 को। और खजुआ का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1659 को, 5 जनवरी 1659 को, ये 1659 को। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को, 29 मई 1658 को। तो इसमें सबसे पहला युद्ध कौन सा आ गया, 24 फरवरी 1658 बहादुरगढ़, यानी दो नंबर पहले स्थान पर होगा। उसके बाद अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, दो के बाद एक होगा। और उसके बाद से जो है कि कौन सा युद्ध होता है, फिर जो है कि आपका सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को। और फिर जो है कि लास्ट में होता है आपका कौन सा युद्ध, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प डी सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लागू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये मध्यकाल का पहला सुल्तान था जिसने राशनिंग व्यवस्था अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। ये किस लिए लागू किया था, तो सैनिकों को अधिक से अधिक भर्ती करके और मलिक कबूल को सहाना या बाजार अधीक्षक भी नियुक्त किया था, इसको नियंत्रण करने के लिए, कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक कबूल को सहाना या बाजार अधीक्षक भी नियुक्त किया था, जिसके नेतृत्व में बाजार में वस्तुओं की कीमत को निश्चित किया गया था। तो ये अलाउद्दीन द्वारा ये काम किया गया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये सही है। बाकी विकल्प के बारे में देखते हैं, तो मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा। इसके अलावा योग दर्शन किसके द्वारा किया गया था, पतंजलि के द्वारा। उसके बाद से और है वैशेषिक जो है कि कणाद के द्वारा किया गया था। मीमांसा हो गया, वैशेषिक हो गया, चर्वाक के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है कि जिसने जिस दर्शन को स्थापित किया था उस दर्शन का नाम दिया गया है कि किसने जो है कि
कौन से दर्शन से संबंधित है, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता चल गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ पर हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है कि वैशाली में हुआ था, ये द्वितीय जो है कि बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सावक मीर थे, और किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इसके बाद से प्रथम संगीति कब हुई थी, प्रथम संगीति राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में, और 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगलितीस थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलितीस थे, और अशोक के शासन काल में हुआ था। चौथा संगीति जो है कि कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप लोगों को जो है कि इतने डिटेल में बताने से पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, चहुंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चहुंद्रों का उत्खनन का निर्देशन किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है जे एच मैके ने। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, और मैके ने इसे 1935-36 में चहुंद्रों का उत्खनन किया था। 1931 में चहुंद्रों की खोज एनजी मजूमदार ने किया था। यह जो है कि स्थल मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, एक, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। अब ये एक और दो कथन दिया है, और इसमें कौन सा कथन सही है और कौन जो है कि इसके कूट के रूप में बताना है। तो इस प्रश्न में जो है कि विकल्प ए सही है, केवल एक सही है कथन, यानी अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। ये 1935 के अधिनियम के को जो है कि बनाया गया था। इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, चेन्नई और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल तथा पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा, सिंध में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे, जो गांधी जी के खिलाफ थे, और गांधी जी अपने जो है कि विचार वाले व्यक्ति पटाभी सीतारामैया को चुनाव सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किए थे और ये पराजित हो गए। अंततः जो है कि 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कब किया था, 3 मई
1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। और बारदोली है कहाँ? तो बारदोली जो है कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहाँ पर कपास के मूल्यों में गिरावट आने के कारण मुंबई की सरकार ने राजस्व को 30% बढ़ा दिया था, इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी आंदोलन के कौन नेता समर्थक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरविंदो घोष। और स्वदेशी आंदोलन कब चला गया था? 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अब डिटेल में कम करेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोगों को जो है कि जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय, ये सबके सामने नंबरिंग दिया गया है लेकिन ये सुमेलित नहीं हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, आत्माराम, पांडुरंग। तो राजा राम मोहन राय का क्या था? आत्मीय सभा था, यानी आत्मीय सभा राजा राम मोहन का था। आत्मीय सभा किसका था? राजा राम मोहन का था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन का हो गया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी सभा था। और विवेकानंद का क्या था? रामकृष्ण मिशन था। और आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज था। तो इस तरह से जो है कि इन लोगों का ये सुमेलित है, केवल ए का 2 और बी का 1, उसके बाद 3 का 3 और 4 का 4। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2, 1, 3, 4, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है? तो बेंगुला की धारा ये हिंद महासागर की नहीं है, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। बेंगुला धारा कैसी है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और बाकी सब जो है कि अगुलहास धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा और मोजाम्बिक धारा, ये सभी के सभी हिंद महासागर की धारा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, करा, घाना, अकरा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, बिंडहाक, नाइजीरिया, रबात, इसमें कौन सा जो है कि सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नाइजीरिया का रबात नहीं है। नाइजीरिया का क्या है? इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो ये होगा अबूजा। अगर नाइजीरिया के जगह रबात के जगह अबूजा होता तो सही होता, बाकी सब जो है कि सुमेलित है। तो इस तरह से आप लोग को प्रश्न को हल करने में काफ़ी मदद मिलती होगी। तो अगला प्रश्न है, कथन काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है, कारण काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक है। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुन करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। ए कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। और सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है एवं आर सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो है कि विकल्प डी सही है, ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? पीर पंजाल श्रेणी से। ये जवाहर सुरंग किस में है? पीर पंजाल श्रेणी, विकल्प ए सही है। 14 का जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है
और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंडा के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह कहाँ पर है? काजीगुंडा और बनिहाल के बीच में, और बनिहाल का ही नाम क्या कर दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? महिला साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बिहार। बिहार में क्या है? महिला साक्षरता न्यूनतम है। इसमें जो है कि यहाँ पर कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष 71.2 तथा महिला 51.5% ही साक्षर है, जो देश के न्यूनतम है, सभी राज्यों में न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है? आर्थिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। विकल्प बी सही है, यानी परिवर्तनीयता का अर्थ होता है संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है। इसमें विश्व बैंक द्वारा इसे 1.9 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसका जो है कि किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है। और भारत में इसका सिफारिश सचिन तेंदुलकर सुरेश तेंदुलकर समिति के सिफारिश के अनुसार 27 रुपया प्रतिदिन और 33 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति कमाते हैं वह जो है गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। विकल्प सी एम एस स्वामीनाथन भारत में क्या थे? हरित क्रांति के जनक है। इसके जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग है। बोरलॉग ने मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोजकर गेहूं के उत्पादन में क्रांति ला दी थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? नरसिम्हन समिति, इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंकिंग संरचना में सुधार, विकल्प सी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक जो है कि संकट के उपरांत ये कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी में कुल 9 सदस्य थे, और वित्तीय सुधार समिति पर जो है कि गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का विनिधान है? राजकोषीय नीति का विनिधान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घाटे की बजट नीति। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? इसको जो है कि राजस्थान में से आरंभ किया गया था, और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था। और इसका एक्चुअल डेट अगर पूछेगा तो 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। और ये राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। विकल्प सी सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर इसे भंग कर सकता है।
अगला प्रश्न है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। इसमें दिया है, कथन दिया है, 1, 2, 3 कथन दिया है, 4 कथन दिया गया है। लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और संघाधारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथककरण और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, इसमें कौन सा सही है? तो इसको देखते हैं, तो इस प्रश्न में कौन कौन से सही है, तो इसमें जो है कि विकल्प सी यानी पहला भारत का संविधान लिखित है तथा कठोर संविधान है, दूसरा केंद्र और संधारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथककरण नहीं है। तो जो है कि एक इस तरह से विकल्प 1, 2 और 4 सही है, यानी विकल्प सी सही है, इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये कह रहा अनुच्छेद 14 तथा 15, बी कह रहा अनुच्छेद 19-20 और सी अनुच्छेद 21-22 और डी अनुच्छेद 20 और 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में जो है भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो है कि दो है, एक जो है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि और दूसरा आपात, ये जो है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, थायमिन है, थायमिन क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन B1, विकल्प डी विटामिन B1, ये B1 का रासायनिक नाम है। अब जो है कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है, और B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, B2 को राइबोफ्लेविन, और B6 को कहा जाता है पायरीडॉक्सिन, B6 को पायरीडॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग अभियांत्रिकी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड विकल्प सी, प्लाज्मिड जो है कि जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं और DNA को अपने साथ जोड़कर अन्य कोशिकाओं में जो है कि जोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये कह रहा है इस प्रश्न में जर्मन सिल्वर, और इसको जो है कि इसके सामने दिया है जो कि सुमेलित नहीं है, टीन, सोल्डर, निकेल, ब्लीचिंग पाउडर जो है कि सोडियम हाइपोक्लोरीन, इसको जो है कि क्या करना है, सुमेलित कराना है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में तांबा अधिक होता है, ठीक है, और जो है कि तो जर्मन सिल्वर में क्या हो जाएगा, तांबा, निकिल, जिंक होता है। तो इसका जो है कि विकल्प के अनुसार जो है कि निकिल दिया है, तांबा नहीं दिया है, तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 जो है कि बी और डी में है। अब अगला मिलाते हैं, सोल्डर में क्या होता है, सीसा प्लस टीन होता है, सीसा प्लस टीन होता है, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 दोनों में है, इसमें भी कॉमन चला गया, यानी सोल्डर में 3 होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में यानी सी का 4 कौन है, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, विकल्प सी, विकल्प डी सही है, सी का जो है कि आपका क्या मिल गया, 4, और हाइपो किस में होता है, तो हाइपो जो है कि किस में होगा, सोडियम में होगा,
तो इस तरह से जो है कि आपका विकल्प डी सही है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, किस क्रिया कारण जल ठंडा रहता है? इस प्रश्न का उत्तर बी विकल्प है, वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, संवेग संरक्षण के आधार पर। संवेग संरक्षण के आधार पर इसमें क्या होता है कि संवेग संरक्षण यानी किया गया कार्य बराबर M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, इसके आधार पर जो है कि ये कार्य करता है। अगला प्रश्न जो है कि अब यहाँ से 5 क्वेश्चन मैथ के शुरू होते हैं, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आइए आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। ये प्रश्न देखिए मैथ का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, न्यूनांक मतलब सबसे छोटा। अब देखिए 91/15, ये 91 यानी अंश हर से बड़ा है, और बी में भी 79/26 यानी इसका भी अंश हर से बड़ा है, और सी इसका अंश 105 और हर 112, और डी में 41/17 यानी सबके अंश बड़े हैं ए बी डी में, और सी का अंश क्या है छोटा है, सी का अंश बड़ा है, तो इसका जो है कि सबसे छोटा न्यूनांक या सबसे छोटा भिन्न जो है कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सही उत्तर हम क्या कर लेंगे, तो 5x-10 यानी क्या कर लेंगे, संख्या क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे 5x-10 बराबर जो है कि किसके हो रहा है 4 गुने के यानी 4x+8 के बराबर हो रहा है, 4x+8 के बराबर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 को इधर लेंगे तो x हो जाएगा और 10 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा। ये जो है कि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको x को इधर लाएंगे तो 5-4 और ये जो है कि 8+10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 18, विकल्प बी 18 सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि रूट में 0.0169 इंटू एक्स बराबर 1.3 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कि ये क्या दिया है, करणी में दिया है आपका ये 0.10 करके है 0.169 और गुणे एक्स बराबर कितना दिया है 1.3। अब जो है कि इसको क्या कर लेंगे, इसको जो है कि 1, 2, 3, 4 यानी 10,000 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट में 169/10,000 हो जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको जो है कि दशमलव को हटा देंगे यहाँ से तो 13/10 हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल यानी दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा वर्गमूल इसका निकलेगा तो क्या आ जाएगा 169, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 169/10,000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 169/100 हो जाएगा, 10 है तो, और ये x तो रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा 169 से 169 कट जाएगा और 20 से 20 कट गया। तो इस तरह से x बराबर का मान कितना आ गया, इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, x बराबर 100। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांच लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है, यदि उनकी आयु का औसत अंतर 12 हो तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी।
तो इस प्रश्न को भी क्या निकाल लेंगे, तो तीन लोगों के समूह की औसत आय कितनी है, 9x है। तो 3 जो है कि लोगों का कितना है, 9x है, और दो लोगों की कितनी है, दो लोगों की 7x मान लिया, और दोनों समूहों का औसत आयु का अंतर कितना है, 12 है, यानी 9x माइनस 7x बराबर 12 के है। तो ये जो है कि बराबर 12 के है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये घटा देंगे 2x बराबर 12, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6। तो x बराबर 6, तो तीन लोगों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 9x माना गया था, तो यहाँ पर 9 गुणे 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54, और दो लोगों की औसत आय 7 गुणे 6 बराबर 42, तो तीन लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 54 गुणे 3 तो 162 हो जाएगा, और दो लोगों की औसत आय 42 गुणे 2 बराबर 84 हो जाएगा। तो इसको जो है कि हम कैसे करेंगे, तो ये जो है कि x बराबर 6 आ गया है, तो तीन लोगों का 9x माना गया है, तो उसके हिसाब से तो ये कितना आ गया, 162 तीन लोगों का प्लस दो लोगों का 42 के हिसाब से 84, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसका आ गया कितना, 246। दोनों को जोड़ दिए और कितने लोग हैं, 3 और 2 5 लोग हैं, 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 49.49 जो है कि 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में इसका उत्तर देखते हैं कि कौन सा सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू खर्च पर करती है, यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं क्या कर लेंगे कि 30% यानी कुल आय x को मान रहे हैं, x गुणे 30% खर्च करती है तो बचत कितना हो गया, 70/100, फिर 60% कर रही है तो यहाँ बचत कितना हो रहा है, 40/100 बराबर किसने के है, हो जाएगा 6300 के हो जाएगा। अब ये जो है कि हम क्या कर देंगे, ये 0 इससे कट गया, ये देखिए तो क्या लिखे थे, x गुणे 70/100 गुणे 40/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 30/70/40/100/100 × x = 6300, और 6300 को हम ये कर देंगे गुणा तो आ जाएगा उत्तर 22,500, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बल्भाचार्य, बल्भाचार्य विकल्प सी, बल्भाचार्य उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, इस प्रश्न का सही विकल्प है ए लोक की उक्ति, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, संसार, गौरव, समुदाय। अश्विनी जो है कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प डी अश्विनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, कृष्ण, 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 तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कृष्ण, विकल्प ए कृष्ण। अगला प्रश्न है शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा तो उष्ण होगा, विकल्प डी उष्ण होगा, शीत का विलोम उष्ण होगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ये देखिए पैसेज दिया है, तो पैसेज को जो है कि समय हो तो पढ़िए, न समय हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, और क्वेश्चन में जो है कि जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न का जो है कि पार्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हम जो है कि इसका उत्तर वही पैराग्राफ के आसपास जो है कि देख सकते हैं। विच इवेंट फाइनली गेव हिमा द ओपनिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 20,
इस प्रश्न का जो है कि देखिए आपको मिल रहा है कि जो है कि पैराग्राफ थर्ड के जो है कि पांचवे छठे लाइन में जो है कि आ रहा है कि जो है कि देखिए कह रहा है ये टू गोल्ड मेडल ऑफ स्पोर्ट्स मीट एट द जो है कि, तो यहाँ पर हिमा का जो है कि नाम आ रहा है, तो यहाँ पर जो है कि आप क्या लिखेंगे, जो गोल्ड मेडल जो है कि विकल्प डी सही है, 41 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 42 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो कह रहा है द कमेटी वेयर वन ऑन दिस पॉइंट, तो कमेटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और यह जो है प्लुरल लगा हुआ है तो वह एक वचन है, तो इस कारण से ये सही नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिसमें द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, यानी इसमें कमेटी एक सिंगल नाउन है तो इसके हिसाब से जो है कि कलेक्टिव नाउन है, तो इस आधार पर विकल्प बी सही है, 42 का बी सही है, 42 का बी प्रश्न सही है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है आई फेल्ट समवाट मोर रिलैक्स्ड जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, आगे जो है भरना है एंड टेंशन फ्री एज कंप्लीटेड टू ईयरलियर, इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाई चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर टोल्ड अस डाइट शुगर डिजॉल्व इन वाटर, विकल्प डी सही है, इस प्रश्न का विकल्प डी है, जब इसको जो है कि हम चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट को, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। 45 कह रहा है सेलेक्ट द जो है कि अल्टरनेटिव सजेस्टेड द सेलेक्ट विच ऑफ द एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस, द विजिटर वेयर शोन द न्यू बार्न बाई द वोमेन, इसका जो है कि क्या करना है, जो है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो है कि इसको चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, द वोमेन माइट हैव शोन द न्यू बार्न, इस प्रश्न का जो है कि विकल्प सी सही है, द वोमेन शोड द विजिटर द न्यू बार्न, विकल्प सी सही है, 45 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेक का कोड 7915 और कैट का कोड 297 है तो केक को क्या लिखेंगे, केक को क्या लिखिए, ये कह रहा टेक का कोड जो है कि 7915 है, तो टी का जो है कि आपका कोड क्या हो गया, 7 हो गया, ए का क्या हो गया, 9 हो गया, ए का 9 हो गया, और के का क्या हो गया, के का 1 हो गया, और ई का 5 हो गया, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर सी का क्या हो गया, 2 हो गया, और ए का यहाँ पर भी 9 हो गया, और टी का 7 हो गया, तो इस तरह से जो है कि अब यहाँ पर सी से शुरू है तो सी को क्या नंबर मिला है, 2 मिला है, तो सी का 2 नंबर मिला है, ए का 9 मिला है, और जो है कि के का 1 मिला है, और जो है कि ई का 5 मिला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, 29-15, विकल्प सी 29-15 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 47 में देखते हैं कि एक जो है कि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में ए और दो कथन दिया हुआ है और इनमें से ये पूछ रहा है कि जो है कि कौन से जो है कि सही विकल्प है, तो कथन ए कह रहा है अमेरिका ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात किया है, बी कह रहा है हाल ही के दिनों में अमेरिका घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें में भारी कमी आई है, इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर कथन कारण के अनुसार बताना है, तो क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है,
क्या इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी। विकल्प बी जो है कि सही उत्तर होगा आपका, क्योंकि जो है कि क्या दिया हुआ है समूह में, जो है चींटी, कैंटर पीलर और हैमस्टर और लोकपीस्ट। तो जो है कि इसमें क्या है, हैमस्टर एक प्रकार का चूहा है जो जानवर के अंतर्गत आता है। तो इसका विकल्प जो है कि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संदर्भित है, जैसे कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से। तो मोनार्क, तो मोनार्क का किससे है, सी से, हैमस्टर से, एनाकोंडा कोबरा से है। तो जो है कि इस अगले प्रश्न का अच्छे देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 है, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करके जो है कि, तो मोनार्क एनाकोंडा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी क्वीन। विकल्प बी क्वीन। प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर भी कथन और कारण का दिया है। तो कह रहा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये जो है कि दो कथन है। और निष्कर्ष कह रहा है सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले जो है कि हम क्या बना लेंगे, एक लैपटॉप बना लिए, ये लैपटॉप है। और लैपटॉप के जो है कि बाहर क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया। और ये क्या हो गया आपका, विकिरण उत्सर्जित करने वाले ये सब हो गए। तो ये जो है कि लैपटॉप जो है कि, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो है कि ये विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्योंकि सबसे जो है कि क्या होता है, ये लैपटॉप हो गया और ये जो है कि आपका जो है कि क्या हो जाएगा, एक एक जो है कि सबसे अंदर क्या रहेगा, लैपटॉप, और उसके बाहर क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ये है, और ये जो है कि ये वाला क्षेत्र विकिरण उत्सर्जित। तो लैपटॉप से, और लैपटॉप किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक में आता है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जयदेव हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। इसने कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता का जो है कि वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है, 11 जुलाई को। 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस CHG क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी विकल्प ए नाइट्रस ऑक्साइड जो है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 18 जो है कि बायोस्फीयर जो है कि भारत में जैव मंडल है, और जैव मंडल संरक्षित आनुवंशिकता विभिन्नता को संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों की आनुवंशिकता बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है बायोस्फीयर में। तो जैव मंडल रिजर्व में की स्थापना सबसे पहले नीलगिरी का जो है कि स्थापना किया गया था 1986 में, और लास्ट में आया है पन्ना सबसे नया 2011 में। तो इस तरह से जो है कि पहला जैव मंडल का था नीलगिरी था, 1986 में स्थापित किया गया था, और अंतिम जो है कि अभी तक का जो कि पन्ना सबसे नया है 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागपुर, और नागपुर कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है, और वहीं पर ये जो है कि ये राष्ट्रीय अनुसंधान
केंद्र है। अगर इसी में पूछा जाएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो ये कटक में हो जाएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये लखनऊ में हो जाएगा, आलू अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये जो है कि शिमला हिमाचल प्रदेश होगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो देहरादून ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा यूरोपीय देश है, कौन सा यूरोपीय देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुल्गारिया, बुल्गारिया यूरोप का देश है, बाकी यूरोप का देश नहीं है, बाकी जो है कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो इस तरह से जो है कि ये कौन कौन, सूडान, घाना और बेनिन, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा का सभापति कहलाएगा लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को क्या होता है कि मत देने का अधिकार नहीं होता है, जब कभी कुछ होगा तो, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है, बाकी ऐसे मतदान में इसको मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर किसको, हम्पी का मंदिर किस भगवान के लिए है? तो ये भगवान शिव के समर्पित है, किसके लिए है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नया सलाहकार नियुक्त किया गया, नया सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है, विकल्प डी, तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार ने इनको 2 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 150वां। अगला प्रश्न है, और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 180 देश शामिल हुए थे और 2021 में भारत का स्थान अगर पूछेगा तो 142वां था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की जो है कि से पुलित्जर पुरस्कार 2022 को किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, नाटक, पत्रकारिता, संगीत तथा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, यानी पत्रकारिता में, और इसमें जो है कि इरशाद मट्टू को भी दिया गया है, अमित दवे को भी दिया गया है और अदनान अबीदी को भी दिया गया है, और जो है कि एक और व्यक्ति को दिया गया, दानिश सिद्दीकी को भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये तीनों के तीनों है और एक अतिरिक्त में जो है कि कौन है, दानिश सिद्दीकी भी हैं। तो ये दानिश सिद्दीकी भी दिया है, अदनान अबीबी नहीं दिया है, तो अदनान अबीबी भी इसके जो है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 में पाए जाने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केरल, विकल्प ए केरल, केरल में टोमेटो फ्लू बीमारी नाम दिया गया है, इसे कौन सी बीमारी दिया गया है, टोमेटो फ्लू बीमारी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग का प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी यूएन परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ये $800,000, विकल्प डी $800,000 जो है कि दिया गया है और इसकी शुरुआत 2018 में किया गया है, 2018 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसको नियुक्त किया गया, 25वां चुनाव आयुक्त तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव कुमार, राजीव कुमार, विकल्प सी, राजीव कुमार को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है कि राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को 25वां चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना को की शुरुआत की है? ई अधिगम योजना, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विद्यार्थियों को टैबलेट देने के योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई? कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली में हुई। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 90। विकल्प डी, जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? 90। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है? प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है कैरिन जीन पियरे। कैरिन जीन पियरे, विकल्प सी सही है, कैरिन जीन पियरे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसे यूनेस्को गिलमोरकाइनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेलारूस की बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को वर्ष 2022 का यूनेस्को गिलमोरकाइनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। यह जो है कि इसका मुख्य ये 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड फिलीपींस की खोजी पत्रकार मारिया रेसा को प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 21 फरवरी। विकल्प सी 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगला प्रश्न में जो है कि ये हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़िए और इसको जो है कि मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या कह रहा है मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ देखिए मूल्यांकन जो है कि लास्ट पैराग्राफ में दिया है, तो इसके प्रश्न का सही विकल्प होगा इसका निश्चित ढांचा होता है। इसका निश्चित ढांचा होता है, ये विकल्प जो है कि सही है, जो है कि इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो देखिए भाषा शिक्षण है दिया है, अर्थ जो है कि ग्रहण और युग चेतना दिया है। तो इसका जो है कि क्या है, दिन प्रतिदिन शेष पदों से भिन्न है। दिन प्रतिदिन, विकल्प डी, दिन प्रतिदिन सबसे भिन्न है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है क्या है? शिक्षार्थी और छात्र है, बाकी कोई भी नहीं है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? किस शब्द और किस उपसर्ग से हुआ है? तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, सह और ता। इसका जो है कि उपसर्ग और प्रत्यय लगता का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समसामयिक। विकल्प बी समकालीन का समसामयिक होगा। अगला प्रश्न जो है कि फिर जो है कि एक पैसेज दिया हुआ है और इसको जो है कि पढ़ना है और इसमें जो प्रश्न आए गद्यांश के पढ़ने के बाद प्रश्न ये दिया है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है ऑनलाइन शिक्षा का। तो इस प्रश्न का सही विकल्प आप पढ़िए, देखिए इसका आ रहा है विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है, ये विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है क्योंकि क्या है, अधिकांश युवक
किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका विकल्प डी सही है। अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गद्यांश में उपर्युक्त निम्नलिखित वाक्य को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। देखिए, आज एक दूसरे को फिर समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई है देखी जाती है। तो इसमें जो है कि ए बी सी डी करके दिया है, इन चारों में से कौन सा गलत है तो देखी जाती है, तो ये गलत है। विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? विकल्प डी होगा सही। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः इस प्रश्न का सही उत्तर है आगत और तत्सम विकल्प बी, आगत और तत्सम। अगला प्रश्न है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो है कि उपधन इता क्या है? उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो इसका जो है कि उयोग का मूल शब्द उप है और इता जो है कि प्रत्यय है, तो इसका जो है कि विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है उपधन इता। अब आइए यहाँ से, अब आप लोग को ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। ये जो है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, शहर जनसंख्या 1000 में साक्षर निरक्षर और साक्षरों का स्नातक का प्रतिशत। ए बी सी डी ई ये पांच शहर दिए गए हैं, इन पांचों शहरों की जनसंख्या दिया गया है। तो 81 नंबर में कह रहा है शहर बी और डी को मिलाकर स्नातक जनसंख्या और शहर ए और ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो है कि बी में कितने हैं, तो बी में 16000 हैं और 16000 में जो है कि ये साक्षर और निरक्षर का अनुपात 3:5 का है, तो 3/8 लिख सकते हैं इसको, 3/8 यानी साक्षर कितने होंगे, 8 लोगों में 3 हैं और 5 निरक्षर हैं, और इसका 35% कितने लोग हैं जो है कि स्नातक हैं। तो इसका 35% निकाल लेंगे, प्लस जो है कि डी शहर का निकाल लेंगे, डी में कितनी जनसंख्या है, 20000 है और 2/3 है यानी 2/5 हो जाएंगे, गुणे 1/4 कर देंगे। तो ये जो है कि कुल मिला करके ये 16000 वाला काट देंगे, तो हम छोटा कर लेते हैं अंक को, और छोटे अंक को करने के बाद से जो है कि हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है कि ये बी का जो है कि 21 आ गया, बी का 21 और प्लस जो है कि डी का आ गया 2000 प्लस 2000 इसका आ गया, तो 2000 और 21 41 हो गया। उसी तरह अब शहर ए और ई का, ए में कितने हैं, 22000 है और 5/11 हो जाएंगे और इसका 20%। फिर जो है कि ई में 24000 और इसका 5/8 और इसका 33.3% निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है कि टोटल दोनों का जो है कि अभीष्ट कमी जो है आएगी वो 41.42% अर्थात 42% जो है कि इसका जो है कि उत्तर आएगा, विकल्प डी सही है 42%। अगला प्रश्न है, शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है, शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या में कितना अधिक है? तो शहर जो है कि सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है उनकी संख्या क्या है, सी में जो है कि 96000 लोग हैं और 2/3 क्या है जो है कि साक्षर हैं, और 96000 में 2/3 में जो है कि 32% जो है कि स्नातक हैं। तो इसको निकाल लेंगे और इनका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 96000 का 2/3 कर लेंगे, तो ये जो है कि लगभग आपका आ जाएगा 64000, और जो है कि इसका 96000 का 2/3 गुणा 32% या स्नातक का निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 20480, और दोनों का डिफरेंस हो गया 43
1520 इनका जो है कि किनका किनका हो गया, सी का हो गया, और डी का और ई को मिला करके, तो डी में कितने हैं, तो डी में जो है कि 20,000 लोग हैं, और इसका जो है कि 2/5 साक्षर हैं, और स्नातक कितने हैं, 25% है। फिर जो है कि इसके बाद से अगला पूछ रहा है ई वाले में 24,000 जनसंख्या है, साक्षर कितने हैं, 5/8 है गुणे 1/3 यानी 33 सही, 1/3% को 1/3 कर दिया गया, तो ये निकल करके आ गया, ये जो है कि 2,000 + 5,000 = 7,000 हो गया, यानी डी 2,000 आ गया और ई 5,000 आ गया, तो शहर डी और ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या का औसत कितना हो गया, 7,000, और 7,000 कितने का हो गया, 2 का हो गया, तो ये 35 हो गया, तो अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगी, 43,520 - 3,500 = 40,020 यानी विकल्प ए सही है, इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 482 का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि शहर बी में निरक्षर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:5 है एवं शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों और शहर डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, 16,000 × 5/8 × 3/8 = तो इसको करेंगे तो 2 काट देंगे, तो 16,000 को 8-8 से काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 250 × 15 = 3750, और 3750 आ गया। डी में स्नातकों की संख्या कितना आ जाएगा, तो डी में 20,000 × 2/5 × 1/4 यानी 25% को 1/4 कर दिया गया, तो ये 2,000 आ गया, और शहर डी में स्नातक महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 2,000 × 3/5 कर देंगे, और फिर उसके बाद से जो है कि बराबर ये कट करके आ गया 1200, तो अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, 3750 / 1200 अर्थात 25:8, इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, 25:8। अगला है, शहर डी की निरक्षर जनसंख्या शहर सी की निरक्षर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रश्न का देखेंगे कि शहर डी में निरक्षर जनसंख्या कितनी है, तो डी में जो है कि ये देखिए 20,000 है, और इसमें जो है कि निरक्षर कितनी है, तो 3/5 हो जाएगा, 20,000 × 3/5 = 12,000। सी शहर में निरक्षर की संख्या कितनी हो जाएगी, 96,000 × 1/3 = 32,000, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 12,000 / 32,000 × 100, तो ये कट करके आ गया 300/8 = 37.5, विकल्प बी सही है, 37.5। अब जो है कि कह रहा है शहर ए और बी को मिलाकर साक्षर जनसंख्या शहर डी की गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इस प्रश्न को आगे देखते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 89%। अगला प्रश्न 86 से 90 भी, ये भी ग्राफ पर ही आधारित प्रश्न है, इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक कंपनी दिया गया है, गाड़ी बाइक दिया है, C1 C2 C3 दिया है, B1 B2 B3 दिया है, ये सबका जो है कि अनुपात दिया गया है, बाइक को मिलाकर संख्या इतना 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 ये सब दिया हुआ है, तो कह रहा है कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रश्न को करेंगे कि कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3,00,000 × 2/3 3,00,000 × 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो है कि आ जाएगा लगभग 2,00,000, और कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, 40,00,000 × 10,000,000 4,00,000 × 3/4 × 2/6 = 1,00,000 जो है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000 1,00,000 हो गया, तो अभीष्ट प्रतिशत कितना का हो जाएगा, तो जो है कि ये 200% का हो जाएगा, यानी 2,00,000 × 1,00,000 × 100 = 200%, इस प्रश्न का विकल्प कितना है, विकल्प सी 200%,
विकल्प सी 200%। अगला है, दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का औसत क्या है? कुल गाड़ी की संख्या का औसत क्या है? तो 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल औसत संख्या क्या है? तो सबको निकाल लेते हैं, तो 3,01,3×2/10 धन 280,000×3/4×1/3 प्लस 3,20,000×1/2×2/4 प्लस 400,000×3/4×2/6 प्लस 480,000×1/3×1/4 कर लेंगे, तो ये सब का जोड़ कर देंगे काट कूट करके, तो ये जो है कि आ गया 3,10,000/5 बराबर कितना आ जाएगा 62,000। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, 62,000, विकल्प डी 62,000। अगला प्रश्न है, करा कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का तथा कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों की संख्या के मध्य अंतर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प बी 40,000। विकल्प बी कितना आ गया है उत्तर 40,000, यानी पहले जी का निकाल लेंगे, ई का तथा जी को मिला करके सी प्रकार की गाड़ियों का कुल संख्या निकाल लेंगे, फिर एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों की संख्या, और दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को से जो है कि अंतर यानी घटा देंगे, तो ये 40,000 विकल्प बी सही है 40,000। अगला प्रश्न है, 89 सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या कंपनी एफ जीत तथा डी द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या H/R यानी H अनुपात R का अनुपात पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को जो है कि H का निकाल लेंगे, H में जो है कि 3,00,000×2/3×2/5 प्लस 280,000×1/4×3/7 3,20,000×1/2 ये सब करके, तो ये क्या निकल गया H/R का रेशियो निकल गया 1:1.5। ये क्या हो गया विकल्प सी 1.15 के बराबर आ गया। अगला प्रश्न, सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या कंपनी ए द्वारा उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की संख्या तथा बाइक ई द्वारा उत्पादित B3 प्रकार की बाइकों की संख्या के बीच का अंतर A/K का अनुपात क्या होगा? A/K का अनुपात पूछ रहा है, तो वो ग्राफ में आप देखिए और ग्राफ में जो जो आंकड़ा दिया गया है उन आंकड़ों को जो है कि सॉल्व करिए, A का कितना आ रहा है और K का कितना आ रहा है। A और K का जो है कि अनुपात आप देखते हैं, तो इसको सबको जो है कि इस प्रकार की बाइकों को निकाल देंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 93/2, विकल्प बी सही है 93/2। अगला जो है कि फिर आ रहा है, ये जो है कि 91 से 95 के बीच में अध्ययन कीजिए और दिए गए दंड आरेख के आधार पर इनका जो है कि उत्तर दीजिए, तो आइए देखते हैं। सभी शिखरों की औसत ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सभी शिखरों की, ये शिखर दिया गया है, इसकी हाइट है और ये माउंटेन पीक है, तो इस तरह से जो है कि इनको ज्ञात करना है इनकी हाइट, तो औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये देखिए ये 8200 है, ये 8600 है, ये 8800 है, ये 7500 है, ये 6000 है, ये 6500 है, तो इन सब का जो है कि औसत ऊंचाई सबको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है कि माउंटेन का जो है कि ऊंचाई दिया हुआ है, तो 6 का ऊंचाई जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 45,600/6 बराबर कितना आ जाएगा 7600 मीटर के बराबर आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है 7600। दूसरा कह रहा है 92 नंबर, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसमें देखिए जो है कि ये 8200 है, ये 8600 है, ये 8800 है, तो इसमें जो है कि दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा 8600 होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8600, 92 का जो है कि कौन सा होगा, यानी सी, ये जो है कि सी जो है कि
माउंट है उसका होगा, और सी किस में है, विकल्प बी में है। अगला कह रहा है उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात है। उच्चतम शिखर कितना है 8800 मीटर और न्यूनतम कितना है 6000 मीटर। तो 8800 और 6000 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि किससे काटेंगे, चार से काटेंगे, दो जीरो काट देंगे ऐसे ही, तो 88 और 60 हो गया। तो ये जो है कि चार से काटेंगे तो 22 चौका 88 और 15 चौका 60 यानी 22 अनुपात 15 के अनुपात में होगा। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 22 और 15 यानी इन दोनों का जो है मैक्सिमम और मिनिमम का निकालना है। अगला है यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या होगा। मध्य के आरोही क्रम में लिखा जाएगा यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले 6000 लिखेंगे, फिर 6500 लिखेंगे, फिर जो है कि 7500 लिखेंगे, फिर जो है कि 8200 लिखेंगे, फिर 8600 लिखेंगे और 8800 लिखेंगे। तो ये 6065 था, दो उधर निकल गए और ये 8600 निकल गए, तो 7500 और 8200 निकल गया। तो 7500 और 8200 का अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, दो से भाग कर देंगे तो 15700 बटे 2 बराबर 7850 मीटर। विकल्प डी सही है, 7850 मीटर। अगला कह रहा है सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाइयों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम, तो सबसे न्यूनतम 6000 है और सबसे अधिकतम 8800 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 14600 मीटर, 14600 मीटर। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। देखिए ये दिया है, ग्राफ में कह रहा है यहाँ प्रोडक्शन दिया गया खाद्यान्न का और इधर ईयर्स दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कि किस सन, पहला सवाल कह रहा है वर्ष 1982 और 84 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के खाद्यान्न के उत्पादन के बराबर होगा। इस प्रश्न को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 96 है, तो 1982 में कितना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, तो 1982 ये देखिए ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और जो है कि 1984 में कितने के बराबर है, 15 कितना हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा। तो 1981 के जो है कि वर्ष का उत्पादन 35 और जो है कि 82 प्लस 84 के खाद्यान्नों का बराबर 1981 के खाद्यान्न का उत्पादन, यानी इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, 1981 किसके योग के बराबर है, तो 1981 के। अगला प्रश्न है कह रहा है कि वर्ष 1981 और 85 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है, तो 81 में कितना है, तो ये देखिए लगभग 35 है, और जो है कि 81 हो गया और 85 में कितना है, लगभग जो है कि ये 30 के बराबर है, तो ये कितने का अंतर आ जा रहा है, 5000 टन का आ जा रहा है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, पूछा है कि वर्ष 84 से 85 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 84 में देखिए कितना है, लगभग 15 है, और 85 में लगभग जो है कि कितना है, 35 है, तो 30 है और 15 है, तो ये कितने का उत्पादन वृद्धि हो रही है, तो 100% की जो है कि उत्पादन की वृद्धि हो रही है। विकल्प डी सही है। वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष है जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन में परिवर्तन दर सबसे कम है, सबसे कम कब है, तो वर्ष 1980 और 81 दो दशकों में 80 और 81 में क्या है, खाद्यान्नों के उत्पादन में परिवर्तन की दर सबसे कम रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 80 और 81, विकल्प ए देखने से ही लग रहा है कि कितना कम अंतर हो रहा है। अगला है सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्नों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे न्यूनतम खाद्यान्न का उत्पादन तथा सबसे अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन 1984 और 1981 में कितने का है, 15 का है, और जो है कि एक जो है कि में 15 और एक में 35, 84 में 15 और 81 में 35, तो 35 माइनस 15 बटे 35 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 20 बटे 35 यानी 4 सही
4/7 यानी 57 सही, 1/7 यानी विकल्प सी सही है। इसको जो है कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि 81 और 84 का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस कितने में कितना जो है कि अंतर आ रहा है तो उसके हिसाब से जो है कि फिर परसेंटेज में बदल लीजिए। तो इस तरह से विकल्प आपका सी सही है। तो आज हम आप लोग को पूरा कंप्लीट पेपर को सॉल्व कराया और इसके अगले में जो है कि या तो फिर मॉडल पेपर फुल आएगा या जो है कि करंट जीएस का क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। करंट क्वेश्चन आप लोग को अलग से एक जो है कि वीडियो दी जाएगी जो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी जो है कि आप लोग पूरा सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।